कांग्रेस की दूसरी सूची में रीवा मऊगंज से 4 नाम, सिरमौर से राम गरीब, सिमरिया से अभय, रीवा से राजेंद्र और देवतालाब से पद्मेश बने प्रत्याशी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की दूसरी सूची कांग्रेस ने नवरात्रि के 5वें दिन जारी कर दी है। सेकंड लिस्ट में रीवा मऊगंज जिले से 4 नाम शामिल किए गए हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सिरमौर से राम गरीब कोल, सिमरिया से अभय मिश्रा, रीवा शहरी सीट से इंजीनियर राजेंद्र शर्मा और देवतालाब सीट से पद्मेश गौतम को उम्मीदवार बनाया है। 2018 के विश्व चुनाव में इन चारों सीटों को कांग्रेस ने नजदीकी अंतर से हारा था। ऐसे में चारों नए प्रत्याशी हैं। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने पहली सूची जारी की, जिसमें 3 जगहों पर पुराने चेहरे रिपीट हुए। सिर्फ गुड़ विधानसभा में कपिध्वज सिंह का चौंकाने वाला नाम था। इसी तरह 19 अक्टूबर की देर रात जारी सूची में चारों नाम चौंकाने वाले हैं। आदिवासियों को साधने के लिए त्योंथर क्षेत्र के राम गरीब कोल को सिरमौर से टिकट दी है। वहीं रीवा से वे चुनाव हार चुके अभय मिश्रा को अब सेमरिया से टिकट दी गई है। वर्ष 2008 में विधानसभा और 2009 में कांग्रेस से महापौरी हार चुके इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को रीवा शहरी सीट से एक बार फिर प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं देवतालाब की हाई प्रोफाइल सीट से सगे चाचा एवं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को हराने के लिए पद्मेश गौतम को उम्मीदवार बनाया है। चाचा भाजपा से तो भतीजा कांग्रेस उम्मीदवार है। क्षेत्र के मतदाताओं की भी इस हॉट सीट पर नजर है। विंध्य के रीवा मऊगंज जिले से उम्मीदवार, सिरमौर से राम गरीब कोल, सिमरिया से अभय मिश्रा, देवतालाब से पद्मेश गौतम तो रीवा से राजेंद्र शर्मा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।